नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड के भोसिया कला में उपस्थित हूं। जैसा कि यहां पर सुनने में आ रहा है कि एक सीआरपीएफ की आतंकी हमला में मौत हो गई। आगे मैं आपको बताते चलूँ कि इनका पोस्टिंग श्रीनगर में था। आतंकी हमले के दरमियान आज ये देश के लिए शहीद हो गए। तो आइए जानते हैं उनसे, परिजन से, कि ये घटना कैसे हुआ और सरकार से वो क्या मांग करना चाह रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं राजेश कुमार सिंह। आपका नाम सर? मेरा नाम मुर्शीद खान। जी। आज सर आपके भाई जो शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? जी, सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग चार पांच भाई हैं जी। इसमें चार भाई हम लोग बेरोजगार हैं, एक भाई को हम लोग रोजगार होना चाहिए और तीन बच्ची है अभी। उन लोगों बच्ची के परवरिश के लिए सरकार माने जो भी है, जो हो सके सरकार दे उन लोगों के परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई सारा, उन लोगों का शादी ब्याह जो भी है। और हमें गर्व है कि हमारा भाई जो है ना शहीद हुआ है देश के लिए। ये बहुत हमें फख्र की बात है कि हमारा भाई शहीद हुआ है देश के लिए। बस और ज्यादा क्या कह सकते हैं। बस हमारा जो है सरकार को बंद किया जाए, बस जो भी है सरकार से हमारे तीन बच्ची का परवरिश के लिए जो है वही एक हमारे गार्जियन है। हमारे वाली साहब जो है ना 2014 में ही गुजर गए। गार्जियन जो थे हमारे ये बड़े भाई थे और चार लोग हम लोग जो है बेकारी हैं। तो अभी सर उनका पोस्टिंग कहाँ पर था? श्रीनगर। आपको इस बात की मतलब सूचना कब मिली? हमें तो सूचना 9:30 बजे उनसे बात हुई फ़ोन पे जी। फोन पे बात होने के बाद फिर हमको दोपहर में जो है खबर आई वहाँ बटालियन से कि ऐसा सा आपका भाई शहीद हो गया। तो घर में लोगों को जानकारी हुई और क्या कर सकते, उन्हीं लोग के यात्री थे। तो हिम्मत रख के बोलिए, हिम्मत रख के बोलिए। दुनिया हम साथ है आपके। क्या नाम बोले? सोर बाबू नगमा खातून। क्या है इस घटना के बारे में कुछ कहेंगे आप? क्या आपको मांग है? क्या मालूम है क्या बोलेंगे, सब तो जड़ गया है। ऐसा तो दिएगा हमने से सैनिक का पत्नी तो इतना सेंसलेस नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रख के बोलिए। कुछ भी बोलिए, सरकार से क्या मांग है आपका? कुछ भी बोलिए, हिम्मत रख के कुछ भी बोलिए, आवाज निकालिए, कुछ भी बोलना। आप उनके साथ? क्या नाम है बाबू आपका? जायदा खुर्शीद। आज आपके पापा देश के लिए शहीद हो गए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाह रही हैं? हम लोग को पढ़ने के लिए अच्छा परवरिश हो और हम लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छा से पढ़े। और कोई मांग? नौकरी मिले हमारे घर वाले को, जो हम लोग अच्छे से परवरिश कर सके। क्या नाम है आपका? रोजाना खान। आज आपके पुत्र जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाह रही हैं? तो बाबू ही चला गया, हम क्या कह सकते हैं? मेरे तो लाल चला गया, देश के लिए शहीद हुआ है। मैंने तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? हमको बहुत महसूस हो रहा है, हमको महसूस ना होगा। कोई बड़ा दर्द लड़का था, बहुत नेक लड़का था। आप सरकार से क्या मांग करना चाह रही हैं? घर में क्या मांगे सरकार से? नौकरी चाहिए, परवरिश चाहिए बाल बच्चा के जिंदगी के लिए। हाँ, जो बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई खुद में चाहिए, इन लोग को पोसे पाले को, इन लोगों सब। अच्छा, जो शहीद हुए हैं उनका क्या नाम है? खुर्शीद खान। उनकी कितनी बच्चियां हैं? तीन ठो लड़कियां हैं। क्या उम्र क्या है बच्ची का? क्या एक तो ये है, एक ये है। ये बच्चे उन्हीं के? ना, हाई है।
इधर चाहिए सिस्टर साइड हो जाए।